जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स होती जा रही है। कांग्रेस को कोई भी वोट नहीं दे रहा। कांग्रेस के दो किस्म के वोटर होते थे, एक वो दो किस्म के वोटर थे, जो एक वो जो कांग्रेस को वोट देते थे क्योंकि वो बीजेपी से नफरत करते थे, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, बीजेपी के 27 साल से कुशासन से तंग थे। एक और वो वोटर था जो कि बीजेपी से तो तंग था, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन वो कांग्रेस से ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए मजबूरी में उसे बीजेपी के पास जाना पड़ता था। ये दोनों किस्म, वो बीजेपी को वोट देता था, वो भी बीजेपी से हट के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, और कांग्रेस का भी सारा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और 27 साल के कुशासन की वजह से जो जो लोग तंग आ गए हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो मेरा अपना अनुमान है कि कांग्रेस का वोट शेयर 13% से भी नीचे जाएगा, और उनकी मुझे लगता है कि 4 या 5 सीट आएंगी। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अभी भी अगर कोई हार्डकोर कांग्रेस के वोटर बचे हैं, वो अपना वोट कांग्रेस को ना देकर ख़राब ना करें, आम आदमी पार्टी को वोट दें। आम आदमी पार्टी एक उम्मीद दे रही है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए।